हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेई और आप मेरे साथ सीख रहे हैं गाइस एसी वर्मा के सॉल्यूशंस फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियस। तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34। तो सारे ही लगभग चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिए गाइस, क्लास 12th के ये लास्ट चैप्टर है और एक चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स बचे हैं, दैट इज सेमी कंडक्टर। बाकी आपका हमने सारा चैप्टर गाइस खत्म किया है। आई नो कि 11th में काफ़ी बचा हुआ है गाइस, लेकिन गाइस आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हो कि फिजिक्स में क्या होता है, एक एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल अपोजिट ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो उसी तरीके से गाइज आप अगर पसंद करोगे लेक्चर्स को तभी लेक्चर्स आएंगे, अगर आप पसंद ही नहीं करोगे, आप लाइक ही नहीं करोगे तो फिर लेक्चर्स कैसे आ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इन वीडियोस को पसंद करोगे और लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, दैट इज़ 33 एंड 34। तो 33 क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें कार्बन डेटिंग के ऊपर क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज, और इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं यूरेनियम के टर्म्स में पिछले लेक्चर में। तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन चारकोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ लिविंग ट्री, एक जिंदा ट्री है गाइस, तो उसका जब चारकोल उससे प्रिपेयर करा जाता है तो वो डिसइंटीग्रेशन का रेट जो शो करता है हमको वो ये 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर ग्राम, ठीक है, ये रेट है। अब क्या होता है गाइस, अ सैम्पल फ्रॉम एन एंशियंट पीस ऑफ चारकोल, ठीक है, वो हमें मिलता है तो वो शो कर रहा होता है 12.3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर ग्राम, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना ओल्ड सैंपल है, टाइम पूछा है गाइस और हाफ लाइफ हमको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर, दिस इज व्हाट इज वी हैव द फॉर्मूला, दैट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो ये इनिशियल डिसइंटीग्रेशन है और आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन टाइम के साथ साथ आप देखोगे तो डिसइंटीग्रेशन जो है वो कम होता जाता है, ठीक है, देख सकते हो आप, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो यानी कि जैसे जो प्रेजेंट सिनेरियो में डिसइंटीग्रेशन है वो 15.3 है अभी, लेकिन जो पुराना डिसइंटीग्रेशन है गाइज वो कम हो चुका है, दैट इज 12.3। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इतने साल पहले, अब बात को आप समझें, इतने साल पहले इस सैंपल का भी, जो ये सैंपल आज हमें 12.3 दिखा रहा है, कुछ टी साल पहले जितना पुराना ये, जब ये लिविंग रहा होगा तो इसका इतना रहा होगा। ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात को समझने के लिए, तो ये बात समझिएगा कि 12.3 अभी जो एंशियंट चीज़ है उसका आज इतना डिसइंटीग्रेशन है, लेकिन अब जब ये लिविंग रहा होगा तब इसका 15.3 रहा होगा, बस हो गया माइनस लेमडा। लेमडा कैसे आता गाइस, लेमडा दिस इज 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, दैट इज 5730 ईयर इनवर्स, ठीक है, ये आता है। अब यहाँ पे हम लोग लेमडा रखते हैं और ये लेमडा रख ही लो 0.693 5730 एंड दिस इज द टाइम दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो वेरी इजी गाइज, जस्ट यू हैव टू डू 12.3 डिवाइडेड बाई 15.3 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.693 डिवाइडेड बाई 5730 इंटू टी। अब दोनों तरफ लॉग ले लोगे आप तो 3 4 12 41 351, तो 4/5 करके कर लेना गाइज, ln 2 ln 5 की वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। तो ये आएगा 0.693, इसकी निगेटिव वैल्यू आएगी 5730 इंटू टी, माइनस रहेगा क्योंकि ये देखो 1 से कम है तो ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आपका जो टाइम पीरियड आने वाला है, द टाइम पीरियड दैट इट इज गोइंग टू गेट इज 1804.3 ईयर्स, ये ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी बात, बाकी कैलकुलेशन है
और इसको आप अवॉइड कर सकते हो 0 0 कैंसिल करके ln 4 को आप 2 ln 2 और ln 5 को आप लिख सकते हो ln 10 बाई 2। कर दूं क्या मैं, कैसे आप हैंडल करते हो ये देख लो। ठीक है, तो जैसे ln 4 है और ये ln 5 है, तो इसको आप लिख दो 10 बाई 2। ln 4 को आप लिख दो 2 ln 2, तो अब इसको आप लिखो 2 ln 2 और इसको आप लिख सकते हो ln 10 इज 1, 2 ln 2 अपॉन ln 10 माइनस ln 2। अब इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आप रखोगे गाइस। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। और चलिए बढ़ते गाइस 34th प्रॉब्लम की तरफ। तो चलिए गाइस अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं, 33 किया था अभी हम लोगों ने। तो 34 क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ध्यान से करिएगा गाइस। इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी टिपिकल है, किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे और कैसे सॉल्व होगा ये सारी बातें यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन ये है कि नेचुरल वाटर कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रिटियम। ट्रिटियम यू मस्ट बी नोइंग कि 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो उसी में से तीसरा वाला जो ट्रिटियम है विच इज़ रेडियो एक्टिव गाइस, तो ये आइसोटोप का बीटा डिके होता है और उसका हाफ लाइफ दिया गया है गाइस हमें, टी हाफ इज इक्वल टू 12.5 ईयर्स। ठीक है, ये दिया। अ माउंटेनियर वाइल क्लाइंबिंग टुवर्ड्स अ डिफिकल्ट पीक फाइंड डेब्रीज ऑफ सम अर्लियर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट अमंग अदर थिंग्स ही फाइंड अ सील्ड बॉटल ऑफ विस्की। इतनी फालतू कहानी दी गई गाइस। तो एक जो है हमारा माउंटेनियर है, वो कई बार किसी पीक को चढ़ने की कोशिश किया, तो एक लास्ट बार वो जब चढ़ा तो उसको एक पुराने टाइम की एक सील्ड बॉटल की, विस्की की सील्ड बॉटल मिली है गाइस। ठीक है, ऑन रिटर्न ही एनालाइजेज द विस्की एंड फाइंड दैट इट ओनली कंटेन्स, अब मेन है ऑन रिटर्न, फिर वो वापस लौटा गाइस एंड ही एनालाइजेज द विस्की जो मिली है विस्की एंड फाइंड्स दैट इट कंटेन्स ओनली 1.5% ऑफ एज कम। तो एक और बॉटल है उसके पास 8 ईयर ओल्ड, ये कुछ बॉटल है पुराने टाइम का और ये उसका 1.5% है, ऐसा लिखा है। फिर समझना, ऑन रिटर्न ही एनालाइजेज द विस्की एंड फाइंड दैट इट कंटेन्स ओनली, ठीक है, ये वाला जो कि 30 साल पुराना जब वो गया था, ये जो अभी उसने ली है जो कि 8 साल पुरानी है विस्की, उसका 1.5% इसके अंदर एक्टिविटी बची हुई है। ठीक है, एस्टिमेट द टाइम ऑफ दैट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो आई थिंक काफ़ी आराम से मैंने आपको ये समझा दिया है अब कि किस तरीके से इक्वेशन लिखनी है। अब बीटी आप कैसे लिखोगे, आप बीटी लिखोगे ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, और ये बी एट कैसे लिखोगे, ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा एट, और ये हमारा 1.5%, तो ऐसे ही लिखा जाता है आई थिंक ना, तो 1.5/100, तो a0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम लोग लॉग ले लें दोनों तरफ, सो दैट इज माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एट प्लस ln 1.5/100 ये। ठीक है, तो लेमडा है क्या, लेमडा यू ऑलरेडी नो कि क्या करते हैं हम लोग लेमडा का, 0.693 इंटू टी अपॉन 12.5 इज इक्वल टू माइनस 0.693 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 8 प्लस लॉग ऑफ 0.015। ठीक है, तो ये वैल्यू आप निकालोगे गाइस, और मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो ये वैल्यू आप जब निकालते हो, ठीक है, तो यू गेट टाइम एज, तो मेन यहाँ पर था देखो इक्वेशन लिखना, एंड दैट इज 83.75 ईयर्स। ठीक है, तो समझ में आया, एक तो उसने अभी बॉटल ली है विस्की की लेकिन वो 8 साल पुरानी है,
ठीक है, तो क्योंकि अभी तो उसकी एक्टिविटी बदल गई होगी, तो इसीलिए 8 साल पुरानी की एक्टिविटी लेके उसका 1.5% ले रहे हैं। और ये भी बेचारा बहुत पुराना है, उसका आपका एक्टिविटी, इस 8 साल वाले का आपका एक्टिविटी और इसका उसके अंदर 1.5%, ये है, बाकी तो बस कैलकुलेशन है गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 34 था, नॉट 35, ठीक है, तो 34 तक कर लिया है। आप इसी तरीके से देखते रहोगे तो आपको भी और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।